ज्ञान तिमरां दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ सत्संग प्रेमियों, मेरे भाई और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुझे मैंने हर प्रकार का ज्ञान दिया है, तेरे हरेक प्रश्न का जवाब मैंने दिया है, और जो मुझे कहना था, जो गुहाद गुहेतरम रहस्य से भी रहस्यों में भी अति रहस्यमय बात जो मुझे कहनी थी वो सब मैंने तुझे बतला दिए, सब तुझे दे दिए। अब मैं एक बात पूछता हूं कि क्या तूने जो मैंने कहा वो ध्यानपूर्वक सुना, चित्त लगाकर सुना? मेरे भाई बहनों, ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देने से ही काम चलेगा। इसलिए तो बुजुर्ग लोग कहते आए, अरे ध्यानपूर्वक चल ठोकर लग जाएगी, ध्यानपूर्वक चल ठोकर लग जाएगी, ध्यान से काम कर। क्या करता है? देखता उधर है, काम करता है इधर, बात करता है तीसरी तरफ, नहीं, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेटिवली बी अलर्ट। मेडिटेटिवली ध्यानपूर्वक ये हमारा जीवन जीने की एक कला है। जो व्यक्ति अपने जीवन को मेडिटेटिवली जीता है, अवेयरली जीता है, ध्यानपूर्वक जीता है, वह व्यक्ति सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो हर प्रकार की चीज को जानने में सक्षम हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा शीघ्र बरसती है और वो अपने आप को पहचान लेता है, दूसरों को भी पहचान लेता है, परमेश्वर को भी पहचान लेता है, उसकी सत्ता को, उसकी महत्ता को, उसकी कथा वार्तालाप को वो जल्दी समझ जाता है। ऐसी कथा तो भगवान कहते हैं कि क्या तुमने ये ज्ञान ध्यानपूर्वक सुना, एकाग्र चित्त से सुना, मेडिटेटिवली कंसंट्रेटिवली? डिड यू हर्ड इट मेडिटेटिवली? और क्या तेरा ये अज्ञान इल्यूजन नष्ट हो गया है पूरी तरह से? अर्जुन, ये मैं प्रश्न करता हूं, मुझे बतला। मेडिटेटिवली आवर होल लाइफ इज मेडिटेशन, जस्ट वी शुड लर्न हाउ टू मेडिटेट। दैट टीचिंग लॉर्ड कृष्णा इन श्रीमद् भागवत गीता, यू विल गेट इट सून
इफ यू एवरी डे एवरी टाइम व्हेन एवर यू गेट दिस सत्संगा, जब भी सत्संग माला में आप संलग्न होंगे, जुड़ जाएंगे, सुनेंगे, समय निकालेंगे और कंसंट्रेटिवली ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे खिलाते हुए नहीं, ध्यानपूर्वक सिंसियरिटी के साथ कि मुझे कुछ सुनना है, मुझे गीता ज्ञान सुनना है। गीता ज्ञान सुनने मात्र से ही आप भगवान के परम कृपा के अधिकारी बन जाते हैं, उनकी परम कृपा आपके ऊपर बरस जाती है। कोई शुद्ध भक्त आपको ढूंढता है, फिर आपको नहीं ढूंढना पड़े शायद, जब ये गीता आप सुन लेते हैं, जब प्यासे आप हो जाते हैं तब बारिश होती है। ये वृक्षों के लिए बारिश होती है क्योंकि ये प्यासे होते हैं। जिस रेगिस्तान में वृक्ष नहीं होते बारिश नहीं होती, जब पशु पक्षी नहीं होते, मनुष्य नहीं होते, बारिश नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि जरूरत ही वहां पर नहीं है पानी की, फिर वो बारिश क्यों? बारिश भी वहीं होती है जहां पर जरूरत होती है, जहां पर आवश्यकता होती है, जहां पर घने बड़े पेड़ पौधे प्यासे होते हैं, पशु पक्षी तरसते हैं, पपैया पीहू पीहू की आवाजें लगाता है तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी उसके मुंह में डायरेक्ट आती है, जमीन पर नहीं। पीहू 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 दिन रात एक रट लगाता है, ये कंसेंट्रेटिवली मेडिटेटिवली उस स्वाति नक्षत्र को देखता है और याचना करता है कि एक बूंद तेरे नक्षत्र की आ जाए तो मैं चौंच फाड़े हुए हूं, मेरे मुंह में चली जाए। वाह, क्या पागल है वो पपैया उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का, क्या पागल है चकुआ उस चंद्रमा के दीदार का। सारी रात्रि चंद्रमा को ही देखता रहता है, इकटक निहारता रहता है। ऐसी जब प्यास जागृत होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऐसी प्यास जागृत तभी होगी जब आपको जीवन को जीने की कला आएगी। यह कला आपसे कभी भी आपका व्यवसाय नहीं छुड़ाएगी, ना आपको ऊंचा व्यवसाय करते हुए या ऊंची सीटों पर जाते हुए या देश का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बनते हुए रोकेगी नहीं, कभी नहीं, बल्कि पहुंचाएगी, ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर आपको पहुंचाएगी और भगवान की सेवा में संलग्न रखेगी। एक प्रेसिडेंट को भी एक प्रधानमंत्री को भी भगवान अवसर देते हैं एक महान सेवा का, वो सेवा कराई। ये कला ध्यान पूर्वक सुनने की कला, इस ज्ञान को, जीवन को जीने की कला ध्यान है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से खाइए, ध्यान से जाइए, ध्यान से दुकान चलाइए, ध्यान से स्नान कीजिए, ध्यान से सोइए, ध्यान से जागिए, ध्यान से भागिए, तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। आप सेंट्रलाइज्ड होंगे, आप सेल्फ रियलाइज्ड होंगे, आपको ज्ञान होगा हर तरह का, ऊपर का नीचे का मध्य का भूत का भविष्य का वर्तमान का, आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, आप कंप्लीटली इनलाइटेंड हो जाएंगे। उस भगवान की शुद्धतम भक्तों में आपकी गणना होगी, उस भगवान का धाम भी आपको मिलेगा, वो प्रभु भी मिलेंगे। इससे बड़ा लाभ आपके जीवन में क्या होगा? तो ये गीता के ज्ञान को, ये प्रवचन को भगवान की शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। किसी मायावादी के मुख से सुनने से ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। जो कृष्ण की स्थिति को नहीं पहचाने वो कैसे आपको गीता का ज्ञान करा सकता है? जो कृष्ण को एक व्यक्ति की तरह ही जानते हैं ऐसे मायावादी आपको कैसे इस गीता के ज्ञान को दे सकते हैं? जिन्होंने गीता का कंप्लीटली गलत अनुवाद किया हुआ है, उस गीता को आप पढ़ेंगे, उनके तात्पर्य को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को सुनेंगे पढ़ेंगे, तो कैसे आपको गीता का ज्ञान होगा? वो तो ऐसे ही है वो लोग जो कृष्ण को नहीं पहचाने। जैसे एक
वो गीता की व्याख्या भी करेंगे तो क्या करेंगे, इस ज्ञान को समाज को देंगे भी तो कैसे देंगे, ऐसी जैसे एक मधुमक्खी शहद की बोतल के चारों तरफ चक्कर लगाती है और कहती है कि शहद कुछ नहीं, कोई स्वाद ही नहीं, लेकिन जिन्होंने इस बोतल की ढक्कन को खोल करके शहद को चखा है वही तो इस ज्ञान को दे सकते हैं। जिन्होंने उस भगवान की भक्ति की है, उस भगवान को पहचाना है, उस भगवान के भक्त बने, वही तो कृष्ण के विषय में कुछ बोल सकते हैं, वही तो भगवान के विषय में कुछ बोल सकते हैं, वही तो गीता का ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा आपको ज्ञान भला कैसे देगा, कदापि नहीं। इसलिए तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। केवल एकमात्र मेरा भक्ति मुझे पहचानता है। जय गोपाल। जय गोपाल। सुदामा जी प्यासे थे, सुदामा जी प्यासे थे भगवान के दर्शनों के, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो तो यही सोचते रहे कि ये शरीर छूट जाएगा तब मिल जाएंगे। वो अभिलाषा शून्य थे, अनन्य भक्त थे, अभिलाषा ही नहीं थी भगवान की। एक ब्रजभूमि की 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए एक भक्तों का टोला जा रहा था। हर वर्ष कार्तिक मास में ब्रजभूमि की 84 कोस की परिक्रमा पैदल नंगे पांव भक्त लोग टोले के टोले लाखों की संख्या में लोग करते हैं। कोई कोई महान संत भी अपने भक्तों को शिष्यों को लेकर के एक ग्रुप बना के आता है, 10-5 माइल चलते हैं दिन भर में, धामों के तीर्थों के दर्शन करते और कहीं पड़ाव डालते हैं, रात्रि का विश्राम लेते हैं, सुंदर भोजन व्यवस्था होती है, कथा वार्ता सुनते हैं गुरु जी के मुख से। ऐसे ही कोई बड़े संत अपने शिष्यों के टोले को लेके और वहां पड़ाव करके एक जगह ठहरे हुए थे। एक घास का भरोटा लेकर के जाने वाला ब्रजवासी गांव का देहाती आदमी, अंगूठा छाप, अनपढ़, धोती घुटनों के ऊपर महात्मा गांधी टाइप पहने हुए, भरोटा सर पर है, जा रहा था। कोई व्यक्ति उनको पहचानता था उस टोले में से। उसने कहा, गुरुजी? बोला हाँ। बोलता ये घास का भरोटा लेके जो जा रहा है ये बाबा बहुत ऊंचा भक्त है, ये अनन्य भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, इसको आप बुला के थोड़ा बात करेंगे तो आपको आनंद आएगा। बोलो मुझे बेवकूफ बनाता है ये घास खोदा कभी भगवान का अनन्य भक्त, कैसे मैं मान लूं? बोलो नहीं महाराज जी, सारा ब्रजभूमि जानता है इनको, आप बुलाओ तो सही। तो जा बुला के ला। बुला लिया गुरु जी ने, सामने वो भरोटा डाल के बैठ गए। हाँ जी महात्मा जी प्रणाम, जय गोपाल, कहो कैसे बुलाया हमें? तो संत भगवान कहते हैं कि बाबा ये लोग बोलते हैं कि आप जो हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए इन सबको। ओ बाबा ब्रजवासी बोले, अरे हम का जाने अनन्य को का मतलब होए, हम नहीं जाने तुम्हारे अनन्य को, लेकिन फनन्य को हम जानते हैं। बोला है? ये तो शब्द हमने सुना ही नहीं। संत जी बोले, अनन्य शब्द तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये फनन्य क्या होता है? बोला हम तो फनन्य को ही जानते हैं, अनन्य को नहीं जानते। बोल तो फनन्य के बारे में बता दो, फनन्य क्या होता है, ये सब लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो बाबा बोला कि नहीं संत जी, पहले आपने प्रश्न किया है, आप अनन्य आप बतलाइए अनन्य क्या होता है, हम अनन्य को जानना चाहते हैं। बाबा ने ब्रजवासी ने कहा,
तो संत भगवान कहते हैं कि अनन्य का मतलब है जो किसी एक को ही जानता है, जिसकी जबान पर सदैव राम कृष्ण रहता है, वो राम कृष्ण के अलावा कुछ जानता ही नहीं, ये अनन्य भक्ति होती है, इसको अनन्य भक्त कहते हैं। अब आप बतलाओ अनन्य क्या होता है? मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि ये कुछ नहीं जानता है। हाँ बाबा बतलाओ अनन्य का मतलब क्या होता है? तो ये ब्रजवासी जी कहते हैं कि अनन्य का मतलब है जो कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नाम ही जबान पर नहीं आए, ये अनन्य का मतलब है। कृष्ण कृष्ण जिसकी रसना रटे, ये अनन्य का। तो सब चौंकन्ने हो गए कि हैं, ये तो हमारे गुरुजी से भी ऊपर निकल गया। गुरुजी तो राम कृष्ण को अनन्य भक्ति कि राम और कृष्ण के नामों के अलावा कोई नाम ही नहीं जानता हो, विष्णु नरसिंह के नामों के अलावा कोई ना, गुरुजी तो अनेक कई नामों का नाम ले रहे हैं, ये तो एक ही नाम, बोले कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण बोल रहा है, बोले कृष्ण के अलावा हम कुछ नहीं जानते, कृष्ण के परे भी कोई तत्व है हम नहीं जानते, ये हमारा अनन्य भक्ति है, ये हमारा अनन्य का मतलब है। वो बाबा को प्रणाम किया गुरुजी ने और पहचाना कि वास्तव में ये ब्रजवासी बाबा महान शुद्ध भक्त है। अपने शिष्यों को भी बतलाया और सब शिष्यों ने को आदेश दिया कि चरण छुओ उनके, खुद ने भी खड़े होके छुए और सारे भक्तों ने छुए। ये सत्य कथा है, अनन्य भक्ति की महिमा ही ऐसी है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरो तो पति सोई, छाण दई कुल की कानी, कहा करेगो कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच भक्ति बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई एक शुद्ध भक्ता भगवान की, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। रविदास महाराज उनके गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु भी उनके गुरुजी हैं। मीरा गौर किशोर की दासी, चैतन्य महाप्रभु जी का गौर किशोर नाम है, निमाई नाम है, चार पांच नामों से चैतन्य महापुरुष जी को लोगों ने संबोधित किया। मीराबाई को जब चैतन्य महापुरुष जी के दर्शन हुए वृंदावन में और उनके मुखारविंद से जो जो प्रेम रस बरसा, मीराबाई बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। मीरा गौर किशोर की दासी, इससे पहले भी भजन लिखे, उसमें कहा गुरु मिलो रे दासा रविदासा। तो मीरा जी के ये गुरु थे। गुरु अनेक नहीं होते, सच्चा गुरु एक ही होता है और वो ओरिजिनल गुरु तो कृष्ण है। सभी गुरु जो सच्चे हैं वो एक ही गुरु है, एक ही शब्द, एक ही सत्य का बखान करते हैं, उनमें भेद नहीं है। उस गोविंद की ओर इशारा करते हैं, उनमें भेद नहीं है। लेकिन जो भगवान को नकारते हैं वो मायावादी, जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं और अपने शिष्यों की भी संख्या बढ़ाने के लिए उनको भी ये कहते हैं तुम ही भगवान हो, कौन भगवान नहीं। चैतन्य महाप्रभु जैसे महान, वो भी अपना परिचय देते हुए कहते थे, जब कोई उनसे पूछते थे आप कौन है जी, जी मैं खड़े हो जाते थे, मैं दासानु दासानु दास छू,
मैं भगवान के दासों का दास हूं। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए और वो भी अपना परिचय इस प्रकार से दे रहे हैं। और ये मूर्ख लोग जो संसार में सब तरह के भोगों में और निकले भी नहीं है भोगों से, थोड़े कपड़े चढ़ा लिए ऊपर, कोई योगी बन गया है, कोई ध्यानी बन गया है, कोई ज्ञानी बन गया है, कोई ने कोई ग्रुप संभाल लिया है, कोई ने कोई ग्रुप, और वो कहते हैं कौन भगवान, तुम ही भगवान हो। नहीं, कैसे हो सकते हो? एक बूंद को कोई कहे कि तुम सागर हो देवी, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये मूर्ख संसार को समाज को भ्रमित करते हैं और पफ होते हैं कि ओ हम ही भगवान हैं, फिर हम किस भगवान को मानने वाले हैं। तो ये गुरु, आडंबरी गुरु, मायावादी गुरु इस बात को जो है नकारते हैं कि वो गोविंद भगवान है, वो गोपाल भगवान है, वो कृष्ण भगवान है, वो राम भगवान है, वो नरसिंह भगवान है, वो वामन भगवान है, वो नकारते हैं। गुरु नानक देव जी भी यहां तक कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भगवान के अवतार हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नानक ताका दास है सोई निरंजन देवा। नामदेव महाराज कह रहे हैं कि धन धन मेघा रोमावली जय कृष्ण ओढ़े कामली, धन धन श्री वृंदावन जहां खेले, धन धन वृंदावन जहां खेले श्री नारायण। नामदेव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त, धन धन रोमा मेघावली, मेढा मतलब भेड़ों की जो ऊन है उसकी, मतलब धन्य है वो भेड़ और उनकी रोमावली, उनकी ऊन जिसकी कामली भगवान श्री कृष्ण के कांधे पे सदैव रहती है, शोभा देती है, कारी कामरी। धन धन मेढा रोमावली जय कृष्ण ओढ़े कामली, धन धन वृंदावन जय खेले श्री नारायण। और ये मूर्ख लोग वो नारायण को नकारते हैं, ये मायावादी लोग उस नारायण को इनकार करते हैं और खुद नारायण बनते हैं कि हम ही हैं वो अकाल पुरुष, हम ही हैं वो परम पुरुष। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं मैं परम पुरुख को दासा, जग देखन आयो तमाशा। तो कोई नहीं, सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने एक लंबे समय के लिए आजीवनता के लिए एक व्रत ले लिया था बुढ़ापे में जाके, वो था आयाचिक व्रत, यानी उन बिना याचना के ही जो स्वतः ही कुछ मिल जाए, वो कोई जूता हो या कोई कपड़ा हो या कोई अन्न हो या भोजन हो या जल हो, अनायास ही जो भगवान भेज दे वो ले लेते थे, उससे जीवन यापन करते थे, गुजारा करते थे। उनकी एक पत्नी थी, सुगुण नारी थी, भक्ता नारी थी, पतिव्रता नारी थी, अपने पति के सुख दुख में संग रहने वाली नारी थी। तो पति याचिक व्रत लिए हुए हैं तो वो भी कुछ नहीं बनाती थी, वो भी जो कुछ स्वतः ही मिल जाता था, कोई चावल दे जाए घर आ करके, कोई रोटी दे जाए, कोई ककड़ी दे जाए, वो खा लेते थे दोनों। नहीं दे कोई आता, कब तक लोग देंगे, कभी कभी दो दो दिन तक नहीं आए तो पानी पी लेते थे, भगवान का सदैव नाम जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। एक दिन सुशीला बोलती है क्यों जी एक बात पूछूं, तुमने मुझे कई बार कहा है कि मैं जब बचपन में विद्यार्थी था, संदीपनी मुनि मेरे गुरुजी के आश्रम में उज्जैन नगरी में, तब एक मेरे मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र थे, श्याम रंग था उनके शरीर का, बड़े सुंदर नेत्र थे, हम दोनों साथ साथ रहते थे,
बड़ा आकर्षण था उनके अंदर, बड़े प्यारे बालक थे वो, मेरे मित्र थे। गुरुजी कभी हमको जंगल में लकड़ी चुनने भेजते थे, हम साथ साथ जाते थे, खेलते कूदते और लकड़ियों का बरोटा बांध के और गुरुजी को, गुरु पत्नी को लाके देते थे। वो मेरे मित्र थे। कहते हो कि नहीं मुझे बार बार, आप कई बार कहते हो? हाँ सुशीला, कहता तो हूं। वो मेरे मित्र थे लेकिन बिछुड़ गए, पता नहीं कहाँ है या नहीं है इस दराधाम पर, कौन सा गांव है, कहां रहते थे, मैं तो सब भूल गया। जय गोपाल।